जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस था। उससे पहले वाले पखवाड़े में हर साल स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ही हर शहर, हर कस्बे, रेल स्टेशनों, हर जगह पे गंदगी का अंबार लगा रहता है, और भारत सरकार ने इसे एक मिशन मोड में लिया है कि देश को या खास करके हमारे रेलवे क्षेत्रों को साफ करने का जिम्मेदारी रेलवे के कर्मचारियों और रेल सेवाओं का यूज करने वाले सभी यात्रियों पे है, और इन सभी की भागीदारी से ही इस पूरे वातावरण को शुद्ध बनाया जा सकता है और साफ किया जा सकता है। जहाँ तहाँ कचरे वगैरह फैले रहते हैं, इस अवसर पर यह संदेश है कि सभी को अपनी सफाई के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है, और देश को जो साफ बनाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है उसमें सभी को साथ में चलना है, और सभी के प्रयास से ही यह साफ हो सकता है। और यह पखवाड़ा एक लक्ष्य है कि इसी तरह से हमें सालों भर तक काम करते रहना है, और अपने देश को और अपने कार्यस्थल को और अपने आस पड़ोस के जो वातावरण है सभी को शुद्ध करना है। और सफाई करने से सबसे बड़ा लाभ जो है कि बीमारियां या दूसरे तरह के जो बैक्टीरिया या कीटाणु है वे उत्पन्न नहीं होते हैं, और यह देश को स्वच्छ बनाने का रास्ता में एक अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह अभियान पूरे कटिहार मंडल में चलाया जा रहा है, सारे स्टेशनों पर चलाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ कोचिंग डिपो या दूसरे और भी रेलवे के जो प्रतिष्ठान है सभी जगह पर चलाया जाएगा। इस पखवाड़े में रेलवे के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जो ट्रेनें चल रही हैं उनके अंदर भी जो भी गंदगी या जो भी पब्लिक किसी यात्रियों की शिकायतें रहती हैं सभी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और एक गहन अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि हर जगह पे कहीं पे भी कचरा या गंदगी का लेस मात्र भी न मिले।